आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री जी ने गैस के सिलेंडर पर दाम कम करके उनके दिल में बड़ी जगह बनाई है और महिला दिवस पर ऐसा किया है। इसको लेकर पूरे देश में बहुत हर्ष है, पूरे देश में खुशी है और महिलाएं प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कह रही हैं। लेकिन यही वही विपक्षी पार्टी की जो लीडर्स हैं सुप्रिया सुले, उनका ये कहना है कि ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। जब भी आप टाइमिंग तो देखिए, ठीक इलेक्शन के कुछ दिन है, डेट अनाउंस होने के उसके पहले ये किया जा रहा है, तो हम तो लगातार देख ही रहे हैं इस तरीके के अनाउंसमेंट। प्रधानमंत्री जी ने महिला दिवस पर सिलेंडर के दाम कम किए हैं, 100 रूपये घटा दिए हैं। उज्ज्वला दीदी को बहुत फायदा इससे होगा। पूरे देश में महिलाओं में खुशी की लहर है और विपक्ष गमगीन हो गया है, दुखी हो गया है। विपक्ष का ये कहना कि इसकी टाइमिंग देखिए, तो महिला दिवस पर क्या टाइमिंग नहीं होती है? क्या सरकार चुनाव से पहले काम करना बंद कर देती है? चुनाव तो वक्त पे होंगे और जीतेंगे मोदी जी ही, आएंगे मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी सरकार जब जितना काम कर सकती है काम करती है। जब कोई क्रिकेट का मैच होता है तो जो लास्ट ओवर होता है उसमें जीतने के लिए तेजी से रन बनाए जाते हैं। पिछले 10 साल से तो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आएगा तो क्या तेजी से काम नहीं करना चाहिए? क्या किसी का भला नहीं करना चाहिए? क्या विपक्ष से पूछना चाहिए? एक तरफ तो वो कहते थे कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया, और दूसरी तरफ अगर सिलेंडर का रेट महिला दिवस पर घटा दिया गया है, इससे उनको दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ अगर बात